नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह भीमा। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। मऊ जिले के थाना सरालखनसी इलाके के बढ़ुआ गोदाम में आज सुबह 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता बाल गोविंद सिंह को दौड़ाकर गोली मार दी। ये देखिए प्रदृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तहलका न्यूज आपको पहुंचा रहा है ये कि आज बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। ये सब दिखावा है, कुछ होना होना नहीं है। सब सरकार सब चूतिया बना रही है। नाम है ये नहीं केवल सब फोर्स है कि मोदी सरकार भी एकदम किसानों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कुछ नहीं, केवल दिखावा है। गए थे गोविंदा हमारे साथ, गए थे ना, तो आने के लिए 16 तारीख से हमने लगा रखा है रिपोर्ट, और वहाँ जो उसमें मार दिए गए। ये कहा था हम लोगों ने ना, फालतू बात नहीं कर रहे, फालतू नहीं कर रहे, नहीं कर रहे फालतू। नहीं तुम्हारा ऐसे खुद लेने से होगा नहीं, इनके पास हम लोग भाई साहब गए रहे नहीं, किसने बुलाया है? ऐसे आग मत दिखाओ, नहीं आग नहीं दिखाओ, आग मत दिखाओ। अगर समय से कार्रवाई करते तो होता ही नहीं, सब सही हो जाए। हटा रहे हो के मारे हमारे लड़के का मरवाया। एक महीना के आपके आए वास्तव में नहीं, मोबाइल आपने रखा, आप रखे, जब उन्होंने सुनाया कि अपराधी का फोन उठा सुने, आपने रखा, उसे रखा आपने। बाल गोविंद जी हैं, गढ़ुआ गोदाम के रहने वाले। प्रातः काल सुबह जैसे घर के बगल की चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं, सीधे तो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ उपलब्ध नहीं है, लोगों ने उन्हीं से सुना है, गांव की बात थी, कि 3 मोटरसाइकिलों से बदमाश आए हैं तो पहले गोली चलाए, उनके हाथ में लगी है, फिर भागे हैं, पीछा करके बदमाशों ने और गोली मार दी है। और फिर वो जा करके आगे कहीं रुक गए हैं या फंस गए हैं, ये तो जिन लोगों ने देखा वो बताएंगे। और गोलियां लगी, तत्काल लोग लेकर के गंभीर हालत में उनको सदर अस्पताल आए हैं, यहाँ आते आते उनकी मौत हो गई थी। किसी घटना विशेष के बारे में, किसी की भर्ती गलत हुई थी और इस पूर्व में भी कोई घटना हत्या की हुई थी 2 वर्ष पूर्व, उस संबंध में इन्होंने कुछ सूचनाएँ मांगी थी, ये बात संज्ञान में लाई जा रही है। फिलहाल क्या बात है उसका पूरा परीक्षण करके देखा जाएगा। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज सबसे ज्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।